स्वागत है दोस्तों आपका एक्सेल की सेकंड वीडियो में। आज हम बहुत सारे टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, इस रेड बटन को दबा के और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमने स्टूडेंट का जो डेटा है वो प्रॉपरली एंटर कर लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शंस हैं, जो फीचर एक्सेल के हैं यहाँ पे इस टेबल के ऊपर, हम क्या करेंगे अभी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास हेडिंग्स हैं, ठीक है, हमें पता है कि जो भी टेबल के या किसी लिस्ट के हेडिंग होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, थोड़े थिक होते हैं, बोल्ड होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है बोल्ड की, तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ये बोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। बोल्ड की एक शॉर्टकट की भी है जो ऊपर आप देख सकते हो, कंट्रोल बी। सिमिलरली हम इसके ऊपर अटैलिक करना चाहते हैं तो अटैलिक की भी कर सकते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप देखोगे कि हमने ये नंबर्स हैं इनको क्या कर लिया, टेक्स्ट है जो इससे हमने क्या कर लिया, इसे अंडरलाइन कर लिया। तो ऐसे आप ये तीनों फंक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। तो अगर आप इसका मतलब डिज़ाइन चेंज करना चाहते हो, मतलब इसे हम कहते हैं फॉन्ट, जो टेक्स्ट हमने लिखा है इसे हम फॉन्ट कहते हैं। तो अगर आप इसका डिज़ाइन चेंज करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर जाओगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर डिज़ाइन मिल जाएंगे। तो इनमें से आप क्या कर सकते हो, कोई भी डिज़ाइन इसमें से चूज़ कर सकते हो, तो वो आपकी चॉइस है। तो आप जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया एरियल ब्लैक, तो फिलहाल मैं यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं, मैंने एक यहाँ पे फॉन्ट है मैं उसको लिख लेता हूँ टाइम्स न्यू रोमन। तो इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इसे मैं इटैलिक और अंडरलाइन नहीं करूँगा, सिर्फ इसे मैं बोल्ड करूँगा। मेरे पास यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो क्या आ गया टाइम्स न्यू रोमन में। तो अभी इसका जो साइज है पॉइंट्स में वो क्या है हमारे पास, फॉन्ट का जो साइज वो 11 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका जो साइज है उसे और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो इसका साइज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे ऐसे। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। नॉर्मली हम यहाँ पे ले लेते हैं यहाँ पे 12 फॉन्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये थोड़ी विड्थ इसकी कम हो जाएगी, इसको हमें क्या करना पड़ेगा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से इसे क्या कर लें, डबल क्लिक करके इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये टेबल हमें इसे प्रॉपरली क्रिएट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो माउस का लेफ्ट क्लिक करके आप इसे मूव कर सकते हैं और जो पूरा जो आपने टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे उसे आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या जाना है बॉर्डर के ऊपर, जो हमारे पास बॉर्डर वाली ऑप्शन होती है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बॉटम बॉर्डर, मतलब बॉटम, मतलब बॉटम की तरफ ये बॉर्डर लगा देगा। तो जैसे कि आप देखोगे बॉटम के ऊपर क्लिक करने पे यहाँ पे हमारे पास बॉटम बॉर्डर आ गया। तो हम फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है टॉप, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो जो बॉर्डर आएगा वो जस्ट टॉप के ऊपर ही आएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जो बॉर्डर है वो हम बॉटम, टॉप, लेफ्ट या राइट वाली साइड के ऊपर दे सकते हैं अगर हमें सिंगल बॉर्डर चाहिए। तो उसके बाद अगर हमें जो बॉर्डर चाहिए नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, नो बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो हमने बॉर्डर टॉप पे और बॉटम के ऊपर इंसर्ट किया था वो दोनों ही गायब हो चुके हैं, वो दोनों रेज हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमें अगर हमें बॉर्डर देना है तो हम क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आप देखोगे कि जितना भी हमारा जो टेक्स्ट था वो अपने आप क्या हो चुका है यहाँ पे, मतलब सेलेक्ट हो चुका, उसको हमने बॉर्डर दे दिया है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं बॉर्डर के अंदर, जिनको आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मतलब उसे यूज़ कर सकते हैं जैसे आपको उसकी ज़रूरत है। तो अभी मैं फ़िलहाल फिर से इसके ऊपर क्या करूँगा, नो बॉर्डर कर दूँगा। तो आप देखोगे कि हमारा जो बॉर्डर है वो गायब हो गया सारा। तो उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके ऊपर अगर हम आउटसाइड बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो बॉर्डर होगा वो सिर्फ इसकी आउटसाइड पे ही आएगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि बाहरली तरफ इसका मतलब जो बॉर्डर है वो आ रहा है, अंदर इसका बॉर्डर नहीं है। लेकिन ये जो बॉर्डर है बहुत मतलब पतला है, थिन है। तो अगर हम इसे और थिक करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये थिक आउटसाइड बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो बॉर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस है। इसके अलावा हमारे पास एक नया मतलब जहाँ पे आप देख सकते हो कि सेक्शन बना हुआ है जहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, ड्रॉ बॉर्डर। ड्रॉ बॉर्डर मतलब हम खुद से जो बॉर्डर है उसको ड्रॉ करेंगे। तो इसके अंदर अगर मैं पहली वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँ ड्रॉ बॉर्डर के ऊपर, तो हमारे पास जहाँ पे देखोगे कि आप हमारे पास यहाँ पे क्या आ चुकी है, एक पेंसिल आ चुकी हुई है, ठीक है। तो पेंसिल के ऊपर जब भी मैं मतलब किसी बॉक्स के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, सपोज कर लो इस लाइन के ऊपर मैं क्लिक करूँ ऐसे, तो आप देख सकते हो कि बॉर्डर उसकी उसी के ऊपर आ गया। अगर मैं ये लाइन के ऊपर क्लिक करूँगा तो बॉर्डर यहाँ पर आ गया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से ये जो बॉर्डर है उसे क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनको हम इस बॉर्डर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये फॉन्ट
ड्रॉ बॉर्डर वाली जो ऑप्शन है उसको आपने डिसेबल करना है। तो कीबोर्ड के ऊपर फर्स्ट की है जो आपकी एस्केप वाली, आप उसे प्रेस करोगे तो आपका जो कर्सर होगा ऐसे चेंज हो जाएगा और बॉर्डर जो हमने ड्रॉ किया था वो वैसे का वैसा ही रहेगा। चलिए बाकी ऑप्शंस देखते हैं कि और क्या है इसमें। तो ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड आ गई हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो वहाँ पे हम एक एक सेल को या एक एक लाइन को सिलेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ऑप्शन कैसे काम करती है। ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, ग्रिड का मतलब आपको मैंने बताया था कि हमारे पास क्या होता है, टेबल होता है या मल्टीपल कॉलम और सेल होते हैं, कॉलम और रोज होते हैं हमारे पास यहाँ पे। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये कर्सर तो वैसे ही आएगा, लेकिन अभी मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूँगा तो एक लाइन सेलेक्ट हो गई, लेकिन अगर मैं इस माउस को नीचे मूव करता जाऊँगा तो आप देखोगे कि जो अंदर वाली जो लाइंस है वो भी सारी सिलेक्ट हो रही हैं। जैसे कि आपने इसमें देखा था कि हमारे पास यहाँ पे अंदर वाली लाइन सिलेक्ट नहीं हुई थी, लेकिन बाहर वाला बॉर्डर ही सिलेक्ट हुआ था। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे पास ये जो अंदर वाली लाइंस हैं, अंदर वाले सेल्स हैं, वो भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे हम यहाँ पे अगर क्रिएट करना चाहें इनको, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम लेफ़्ट साइड के ऊपर मूव करें तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास जो अंदर वाली जो ऑप्शंस हैं, अंदर वाले जो सेल्स हैं, वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे आप इस ऑप्शन को यूज़ करके अपना जो एक्सेल शीट का जो बॉर्डर है उसे इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो इसको हम डिसेबल कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एस्केप की को प्रेस करेंगे और ये बॉर्डर वाली जो ऑप्शन थी वो क्या हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, अरेज बॉर्डर। अरेज बॉर्डर का मतलब कि हम बॉर्डर को अगर डिलीट करना चाहें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी। जिस भी बॉर्डर को आप रिमूव करना चाहते हैं उसके ऊपर जाके आप एक बार क्लिक कर दो तो आपका जो बॉर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, अपने आप डिलीट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, माउस को मूव कर सकते हैं और जो बॉर्डर है उसे हम क्या कर सकते हैं, ईजिली डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी है, लाइन कलर। तो मतलब जो भी हम बॉर्डर ड्रॉ करेंगे उसका कलर कौन सा होगा, ब्लैक बाय डिफ़ॉल्ट आता है, लेकिन अगर हम कोई और कलर चूज़ करना चाहें तो वो कलर भी यहाँ पर आ सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला कलर चूज़ करूँगा, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करूँ तो आप देखोगे कि हमारे पास वही कलर का बॉर्डर है वो अपने आप आ रहा है। तो ऐसे हम जो सेल्स हैं, जो कॉलम्स हैं, मतलब रोज हैं हमारे पास, जो भी टेबल के अंदर, हम क्या कर सकते हैं, उनको डिज़ाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं, उनको डिज़ाइन दे सकते हैं, उनको कलर कम्बिनेशन यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे पास लाइन स्टाइल भी हैं, मतलब ये वाली ऑप्शंस भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हम स्ट्रेट लाइन नहीं यूज़ करना चाहते, उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं बॉर्डर को ड्रॉ करने के लिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे है डबल लाइन, तो इसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे करूँगा इसे एक्सपैंड, तो आप देखोगे तो हमारा बॉर्डर है वो डबल लाइन बन गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसके यूज़ करके देखते हैं, जैसे ये डॉटेड लाइन्स है, अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो ये हमारे पास बन गया डॉटेड लाइन्स वाला बॉर्डर। तो ऐसे ही आप बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनको आप वन बाय वन, मतलब अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इनको चूज। तो अगर आप इससे भी संतुष्ट नहीं होते, इनको भी बॉर्डर्स से भी, ये बॉर्डर्स भी आपको पसंद नहीं आते, अगर आप कुछ और करना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है मोर बॉर्डर की। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बॉर्डर टैब के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी, कलर्स को चूज़ कर सकते हो, आपको एक ही टैब के अंदर उनके स्टाइल यहाँ पे चूज़ करने को मिलेंगे, और ये ऑप्शन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कि नन आउटलाइन, सिर्फ आउटलाइन ही सिलेक्ट करना चाहते हो, या फिर डायगनली मतलब इसे देना चाहते हो बॉर्डर। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक नेक्स्ट ऑप्शन है जिसको हम फिल कलर के नाम से जानते हैं, मतलब हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास सेल्स हैं यहाँ पे, इनका हम जो बैकग्राउंड कलर है, वैसे तो यहाँ पे वाइट आ रहा है, लेकिन अगर हम किसी का कलर जो है उसे हम चेंज करना चाहें, मतलब बैकग्राउंड कलर को, तो हम यहाँ पे किसी के ऊपर, सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, उसका बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। तो इस कलर के अलावा भी आप बहुत सारे कलर दे सकते हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस है जहाँ पे इन कलर्स कम्बिनेशन को आप यहाँ पे मतलब यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको इन कलर्स में भी कोई कलर पसंद नहीं आता तो आप मोर कलर्स के ऊपर जाके यहाँ पे ऊपर आप क्या कर सकते हो, कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप कस्टम के ऊपर जाके यहाँ पे अपना नया कलर जो है उसको भी क्रिएट कर सकते हो। ऐसे आप कोई भी मतलब कलर जो होगा वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा, जो अभी करंटली आपने सेलेक्ट किया है, तो कोई भी आप कलर सेलेक्ट करोगे तो आपका कलर यहाँ पे आ जाएगा, उसके ऊपर आप ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वही कलर देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे इस ऑप्शन को यूज़ करके, फिल ऑप्शन को, फिल कलर ऑप्शन को यूज़ करके आप किसी भी सेल का जो बैकग्राउंड है उसे आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैं इसे अभी कंट्रोल जेड करूँगा और ये जो हमारे पास हेडिंग्स थे इनको मैं कोई ना कोई यहाँ से कलर दे दूँगा, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको दे दूँगा ये वाला कलर। तो इसका नाम क्या है, गोल्ड एचेंट फोर लाइटर
40% इसका कलर का नाम है। तो ऐसे हम यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन इनका जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे जो हमारा जो फॉन्ट है, जो हमने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, ये वाली ऑप्शन यूज़ करनी होगी। तो जैसे कि मैं सबसे पहले अगर किसी भी कलर को आप सेलेक्ट किसी भी अगर टेक्स्ट का आप कलर चेंज करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, उसे सेलेक्ट करना होगा। अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करके जहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनको यूज़ करूँगा। आप देखोगे इसका कलर क्या हो गया, यहाँ पे रेड हो गया। तो ऐसे आप मतलब किसी भी मतलब पूरे कॉलम को आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे उसका कलर चेंज करने के लिए। तो जहाँ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वन बाय वन उनका कोई भी जो कलर कम्बिनेशन है आप उनको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं जिनको हम बहुत ही ईजी वे से यूज़ कर सकते हैं अपने जो एक्सेल के अंदर जो हमने डेटा ऐड किया है उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रेजेंट करने के लिए, बहुत मतलब बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे पास जो दो ऑप्शंस और रह गई हैं उनको देखते हैं। तो ये बहुत ही मतलब इजी है, तो ये बहुत ही मतलब इजी ऑप्शंस हैं। इनको क्या करना है, जैसे हम जहाँ पे क्लिक करके फॉन्ट को क्या करते हैं, साइज इंक्रीज़ करते हैं या फिर डिक्रीज़ करते हैं साइज, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे 24 सेलेक्ट कर लेते हैं या कुछ भी, अगर सपोज़ करो मैंने यहाँ पे 18 सेलेक्ट कर लिया, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, जैसे कि आप देखोगे इसके ऊपर लिखा हुआ है इंक्रीज़ फॉन्ट साइज, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसका साइज़ क्या हो गया, अभी 20 हो गया, उसके बाद 22 हो गया, 24। तो मतलब ये वही ऑप्शन है जो हम यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो वन बाय वन हमें इसके ऊपर क्लिक करना होगा और जो भी हमारे पास फॉन्ट होगा उसका साइज हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं ये वाली ऑप्शंस, ये दोनों ऑप्शंस को यूज़ करके। फॉर्मूला हम कैसे लगाते हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हो जहाँ पे हमारे पास क्या है, मार्क्स ऑब्टेंड, हमने यहाँ पे लिखे थे इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी के मार्क्स। तो अगर हमें को इन तीनों का सम जहाँ पे चाहिए, तीनों के एडिशन हमें जहाँ पे चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, जहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। और जहाँ पे फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला हमेशा कैसे स्टार्ट होता है, इक्वल्स टू के साइन से स्टार्ट होता है। तो हम इक्वल्स टू लिखेंगे, कॉलम कौन सा है इसका, ई है, और इसकी रो कौन सी है, थ्री वाली। तो ये सेल का नाम क्या बन जाएगा, E3 बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, E3 लिखेंगे। जैसे ही आप देखोगे मैंने इसे टाइप किया तो उसने अपने आप इस सेल को सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि ये E3 सेल था। अभी हम क्या करना है, इसे प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए हमें और क्या चाहिए, हमें ये हिंदी के मार्क्स यहाँ पे ऐड करने हैं। तो हम जहाँ तो इसे खुद F3 टाइप करेंगे जहाँ हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके भी यहाँ पे वैल्यू गेट कर सकते हो। उसके बाद हम फिर से प्लस प्रेस करेंगे, प्लस ऐड करने के बाद हमें मार्क्स चाहिए जो पंजाबी के, तो पंजाबी के मार्क्स ऐड करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करो। और उसके बाद हमारे पास ये तीनों सेल जो थे यहाँ पे आ गए, जिनके नंबर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो आप क्या करो, एंटर प्रेस कर दो, तो आपका जो भी सम होगा इसके अंदर अपने आप वो आ जाएगा। तो ये था पहला तरीका। तो अभी हम देखने जा रहे हैं सेकंड वे जिससे हम ये नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये सेकंड वे कौन से है। सबसे पहले हम इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है सम नाम का, तो सम हम टाइप कर देंगे, फिर आपको ये ब्रैकेट डालनी है, उसके अंदर आपको क्या डालने हैं, नंबर्स डालने हैं, ठीक है। नंबर कौन कौन से हैं हमारे पास, ये मतलब 45 को नहीं आपको डालना, इसके सेल का जो नाम होगा आपको उसे टाइप करना है। तो सेल का नाम क्या था, E4। उसके बाद आप क्या डाल सकते हो, जैसे आप फॉर्मूला में देख रहे हो यहाँ पे कॉमा, उसके बाद आपको इसको क्लिक करना है, फिर से कॉमा आ गया, फिर से इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर ब्रैकेट को क्या कर दो, ऑफ कर दो यहाँ पे। एंटर प्रेस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन सब नंबर्स का यहाँ पे सम आ जाएगा। तो हमने इसे कैसे किया, सबसे पहले सम लिख दिया, फिर जो हमारे पास तीन सेल थे हमने क्या दे दिया, उनको यहाँ पे उनके नाम दे दिए। तो हमारे नंबर्स क्या हो गए, यहाँ पे ऐड हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम कैसे थर्ड वे कैसे यूज़ करते हैं। फिर से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सम लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, तो अभी हम क्या करेंगे, ये सेल का नाम देंगे, तो अभी हम काउंट कॉमा नहीं डालेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम क्या डालेंगे, यहाँ पे कॉलन, ठीक है। हमारे पास जो दो डॉट्स वाला साइन होता है, कॉलन जिसे हम बोलते हैं, वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे, तो उसे आप कीबोर्ड से एंटर कर लो। उसके बाद यहाँ से लेके हम नंबर कहाँ तक ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको ये नंबर देने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर, आप सीधा इसके ऊपर क्लिक करेंगे जब भी, तो ये नंबर अपने आप देख सकते हो कि सिलेक्ट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ कर दो और एंटर प्रेस कर दो, आपका जो भी सम होगा वो अपने आप क्या आ जाएगा, यहाँ जे तीन हमने ऐड किए हैं यहाँ पर नंबर्स, लेकिन
ये तीनों ही डिफरेंट वे से हमने यूज़ किया। अगर आपको ये मेथड अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे टाइप कर लिया 45, जहाँ पे 55, 66, 77 और 88 आ गया। तो जहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, इन सब का सम चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू टाइप करूँगा, फिर सम लिखूँगा, जहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इसका नाम आएगा, उसके बाद मैं डालूँगा कॉलन। कॉलन जब आप डालोगे तो आपको जहाँ से लेके जहाँ तक जो नंबर है उनको ऐड करना है। मतलब ये तीन नंबर्स के जो सेल के नाम है आपको वो यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ से इसको ही बस ऐड करेंगे। जब भी आप आई वाले ये कॉलम को यहाँ पे ऐड करेंगे, I14 को, ब्रैकेट को आप क्या करोगे ऑफ़। आप देख सकते हो कि ये जो बीच वाले जो तीन सेल थे वो अपने आप सेलेक्ट हो चुके हैं, और आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, तो जो भी इनका सम होगा वो अपने आप क्या आएगा, जहाँ पे आ जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये इसको यूज़ करेंगे, इसे हम नीचे एक्सपेंड करेंगे, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास अपने आप जो सम था वो ऑटो कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद देखते हैं कि हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें इक्वल्स टू को लिखना है, फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए इतने मार्क्स हमने लिए होते हैं, हमने जो गेट किए होते हैं उसको हम लिखते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं जितने टोटल नंबर होते हैं, मतलब जितने नंबर के हमारे टोटल मार्क्स होते हैं। सपोज़ कर लो कि ये हमारा जो एक सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का है, तो ये दूसरा भी 100 का है, तीसरा भी 100 का है, तो तीनों को मिला के हमारे पास टोटल नंबर, टोटल मार्क्स कितने बन गए, 100, 200 एंड 300। मतलब टोटल हमारे पास आ गए 300। मतलब 300 में से हमने कितने मार्क्स गेट किए हैं तीनों सब्जेक्टों को मिला के, 190। ठीक है, तो इसको आप क्या कर दोगे, उसके बाद हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई। तो आप एंटर प्रेस कर दो, आपका जो भी परसेंटेज होगा वो जहाँ पे आ जाएगा। एक बार मैं फिर से, आप अभी हमें इनकी बार बार जो परसेंटेज है उन्हें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, ये वाले साइन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको नीचे क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड किया और हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा, वो अपने आप इजीली यहाँ पे नीचे आ जाएगा। दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, इस रेड बटन को दबा के और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनका ज़रूर जवाब दूँ। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।